सर क्या नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से? मेरे को नाराजगी नहीं है पार्टी से, पार्टी में टिकट मांगने सबको हक है और उसको टिकट दिया है शिव प्रकाश को, वो एकदम नया आदमी है नसीराबाद के लिए, बाहर का रहने वाला है, तो कार्यकर्ता सुबह से आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं साहब ये टिकट कैसे दे दिया, भाई मैं टिकट हाईकमान को पूछो, टिकट दिया उनको पूछो, टिकट कैसे दे दिया वो लोग। इंटरनेशनल ब्रांड एंड स्मार्ट वॉचेस कलेक्शन विद ग्रेट ऑफर्स एट मिनट्स टू स्टाइल स्टेशन रोड अजमेर। इस वक्त हम मौजूद हैं नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में और नसीराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी ने शिवप्रकाश गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन उसके बाद से शिवप्रकाश गुर्जर का विरोध तेज हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व विधायक महेंद्र गुर्जर के घर पर। महेंद्र गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की है और जहाँ पर उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे, और अब सभी लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जिन पदों पर इनके समर्थक हैं और ये खुद हैं, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश हो रही है। सर क्या नाराज़गी है कांग्रेस पार्टी से? मेरे को नाराज़गी नहीं है पार्टी से, पार्टी में टिकट मांगने सबको हक है और उसको टिकट दिया है शिव प्रकाश को, वो एकदम नया आदमी है नसीराबाद के लिए, बाहर का रहने वाला है, तो कार्यकर्ता सुबह से आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं साहब ये टिकट कैसे दे दिया, भाई मैं टिकट हाईकमान को पूछो, टिकट दिया उनको पूछो, टिकट कैसे दे दिया वो लोग, और तो हम इस्तीफा देंगे, तो इस्तीफा ब्लॉक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, श्रीनगर ने किसान ने इस्तीफा दे दिया, नंदसभा शहर ने इस्तीफा दे दिया और मंडल अध्यक्ष कुछ आए नहीं, इसलिए मतलब ये चर्चा चल रही थी। अब आगे लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ोगे, मैंने कहा अभी कोई चुनाव लड़ने का नहीं है, पार्टी के साथ हूँ अभी तक तो मैं, अब जनता क्या फैसला करती है उसमें पार्टी से नाराजगी नहीं है अभी। तो आपके जो समर्थक लोग हैं जो पद पर बैठे हैं उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया आगे? हाँ उन्होंने भेज दिया, अभी यहाँ पत्रकार प्रेस करके उन्होंने दे दिया, अब आगे वहाँ जयपुर देंगे, हमारे जो पीसीसी के अध्यक्ष जी हैं डोटासरा जी उनको देंगे आगे, और पार्टी से नाराजगी नहीं है, पार्टी में अपनी सरकार आ रही है हमारी, अभी वापस से अशोक गहलोत जी सरकार बनाएंगे उसमें मतलब वापस। तो शिवप्रकाश गुर्जर को जो टिकट नसीराबाद से दिया उसका विरोध है नसीराबाद में? हाँ विरोध बहुत ज़्यादा विरोध है नसीराबाद में, और उसको कोई जानता नहीं है अभी नसीराबाद में, और ग्रामीण एरिया में तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं उसको, बोल के एक बस शिवप्रकाश गुर्जर है बोले इसलिए, और एक जाति के हिसाब से आज तक चुनाव जीते नहीं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं गोविंद सिंह गुर्जर से 80 से 6 बार वो रहे विधायक, मैं जब मैं सरपंच भी रहा, 2 बार प्रधान भी रहा, तो उसमें भी विधायक बना यहाँ से 8 में रामनारायण जी बने विधायक, तो हमारे 230,000 वोट हैं, गुजरों के वोट तो हमारे 40,000 ही हैं। पर हमने एक चीज़ देखी है, हमने गुर्जर आरक्षण आंदोलन भी बहुत अच्छी तरीके से देखा, तो गुर्जर समाज जो है वो पूरी एकजुटता के साथ हर मुद्दे पर रहता है, ऐसे में शिवप्रकाश गुर्जर के साथ क्या गुर्जर समाज नहीं है या फिर एक युवा और एक वरिष्ठता अनुभव को नज़रअंदाज कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है? गुर्जर समाज तो साथ हर समाज अपने समाज के साथ में रहता है, अब जब शुरुआत होगी चुनाव की जब मालूम पड़ेगा कि गुर्जर समाज साथ है कि नहीं है, और कोई सी भी जाति समाज ले लो, सब आजकल जातिवाद का ही ज़माना है, पार्टी टिकट भी जातिवाद के हिसाब से देती है, पर एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता है, चुनाव जीतने के लिए नसीराबाद विधानसभा में कम से कम 80,000 वोट चाहिए आज की तारीख में, और 80,000 वोट गुर्जर समाज के हमारे है नहीं, उसमें सब जाति के वोट इकट्ठे करने के बाद ही चुनाव जीता जाता है, हम भी चुनाव लड़ते थे तो हमें भी 65,000-70,000 वोट मिलते थे, फिर चुनाव लड़ते थे और उस टाइम हमारे वोट 35,000 थे, अभी 2-4 हज़ार वोट बढ़ गए, 38,000 वोट हो गए हमारे भी, इसलिए सातों जाति को समर्थन मिलता है, 36 कौम का जब भी चुनाव जीता जाता है। आपके समर्थकों ने इस्तीफा भेज दिया है, अगर कांग्रेस पार्टी फिर भी नहीं बदलती है टिकट को तो आगे की रणनीति आपकी इस चुनाव में क्या रहने वाली है? आगे तो जो कार्यकर्ता कहेंगे वो रणनीति रहेगी हमारी भी साथ में, अभी तो निर्दलीय मैदान में उतरने वाले हैं? नहीं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे? कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। अच्छा इतना लंबा समय हो गया, सावलाल जाट ने नसीराबाद को देखा, उसके बाद अब रामस्वरूप लांबा इस सीट के ऊपर आए हैं, बीजेपी के विधायक कोई काम नसीराबाद में नहीं कर पाए क्या? बीजेपी विधायक ने तो कोई काम किया ही नहीं, बीजेपी के खुद जो कार्यकर्ता थे वो आज भी उनसे नाराज हैं और मुझे भी कहते थे वो, तो
आप टिकट लिया ना कांग्रेस पार्टी से, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं क्यों सपोर्ट करोगे? तो कहा आप यहाँ काम करते हो बिना जाति भेदभाव के, बिना पार्टी के आप काम करते हो, आपको सपोर्ट करेंगे। पर पार्टी ने टिकट दिया नहीं। अभी बीजेपी में वो वापस कहाँ जाएँ, कार्यकर्ता कहाँ नहीं जाएँ यहाँ से? इसी विधायक तो जो विधायक को उसका पैसा मिला उसको भी पूरा खर्च नहीं किया। वो पैसा भी पूरा खर्च नहीं हुआ नसीराबाद के अंदर? पूरे विधानसभा में विधायक कोष के पहले 2 करोड़ रुपये मिलते थे, अभी 2 साल से गहलोत जी ने 5 करोड़ रुपये 1 साल के कर दिए। 16 करोड़ रुपये पूरे 5 साल में मिले। 16 करोड़ में गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में विधायक कोष का कोई पैसा नहीं लगा, इसलिए कुछ पैसा बच गया तो भी खर्च नहीं किया इन्होंने वहाँ पर। इसलिए नसीराबाद में इस बार मुख्य मुद्दा चुनाव क्या होने वाला है, क्योंकि रामस्वरूप लांबा बहुत लंबे समय से रहे, छावनी भी नसीराबाद रही है, ऐसे में बड़े मुद्दे हम इस बार क्या मान के चलें जो नसीराबाद में रहने वाले हैं? रामस्वरूप लांबा जी बड़े समय से, लंबे समय से नहीं है, इसी 5 साल से ही है, उसके बाद में वो आ गए। हाँ, पिताजी रहे लंबे समय तो, हम रहे यहाँ पे, मतलब कांग्रेस पार्टी रही लंबे समय तो, 40 साल MLA रहे हम नसीराबाद में यहाँ पे। मतलब वो तो अभी विधायक जब टूटी जब आए हैं वो तो वहाँ पे, मतलब हिसाब से, मतलब बड़ा मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम कराए, 25 लाख रुपए 3 योजना में दिए, 10 लाख का बीमा दिया, लंबी से जो गायें मरी उनका पैसा दिया उन्होंने, अभी फिर उनका बीमा किया उन्होंने, और अभी 7 गारंटी दी उन्होंने उसमें जो मुद्दा तो, और 5 साल जो हमें सरकार दी, हमने मैंने खुद ने यहाँ काफ़ी कुछ सड़कें बाकी थी वो बनाई, अभी 3 स्कूल महिला सॉरी गर्ल्स स्कूलों को 3 को सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराई मैंने, नागेलाव में, न्यारा में और बनेवड़ा में, जस्ट 1-1.5 महीने पहले। बाबर सिंह पलाड़ा के साथ के जो लोग हैं, या हो सकता है सुनने में ऐसी बात भी आ रही कि उनके पुत्र नसीराबाद से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वो भी चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि शिवप्रकाश गुर्जर को लगता नहीं है कि आप सपोर्ट करेंगे, तो क्या उनके साथ जाने का मानस है? नहीं, हम तो सपोर्ट करेंगे, निर्दलीय साथ क्यों जाएंगे, और निर्दलीय चुनाव कोई भी लड़ सकता है, और अच्छा चुनाव, बड़ा रोचक चुनाव होगा, निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, निर्दलीय और भी लड़ेंगे, उनका आने से जरा और अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, कांग्रेस आला कमान से क्या मांगे, क्योंकि विरोध तो लगातार हो रहा है ना, अजमेर में भी हो रहा है, अजमेर के कुछ दूसरी सीटों पर भी हो रहा है, क्या मांग है कांग्रेस आला कमान से, जिस मांग को कांग्रेस आला कमान सुने? टिकट परिवर्तन ही है या उसके साथ कुछ और मांगे भी आपकी है? नहीं, अभी तो टिकट परिवर्तन ही है, परिवर्तन हो यही मांगे भी तो कांग्रेस आला कमान से। अभी अभी तो एक ही मांग होती है हर जगह, टिकट चेंज किया जाए, बोले किसको दिया जाए, आप ही को या कोई और भी है ना? मेरे को दिया जाए, रामनारायण जी को दिया जाए, 2 आदमी टिकट मांग रहे थे हम, और बाकी तो हमारे समर्थन में बैठ गए, नवरत गुजर हमारे समर्थन में बैठ गया था, दिव्य से हमारे समर्थन बैठ गए थे, भाई दोनों किसी को दे दिया जाए, टिकट इनका ही है पर दिया नहीं इन्होंने। चलिए, हमारे साथ बातचीत महेंद्र गुर्जर थे, जिनका साफ तौर से कह रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इस बात पर एक बार फिर से विचार करे कि शिवप्रकाश गुर्जर को जिस तरीके से टिकट दिया गया है उस पर एक बार फिर कांग्रेस चर्चा करे और टिकट में परिवर्तन करे। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, नसीराबाद, अजमेर।